हेलो बच्चों, आज प्रिज्म के उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमसे नहीं बनते हैं कि प्रिज्म में रे ऑफ लाइट आई और किस तरह से बाहर जाएगी। तो उसके लिए बच्चों कुछ छोटे से कंसेप्ट हैं जिनको पहले से समझ लीजिए कि लाइट जब रेरर से डेंसर मीडियम में जाता है, ये बना नॉर्मल, तो लाइट बेंड होता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। और लाइट जब डेंसर से रेरर मीडियम में जाता है, तो बेंड होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, रेरर से डेंसर में गया तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, डेंसर से रेरर में गया तो नॉर्मल से अवे बेंड हुआ। अब इस वाले पॉइंट के अंदर दो तीन पॉइंट और समझने हैं। डेंसर से रेरर में बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसमें दो तीन पॉइंट और समझने हैं। जैसे मान लो लाइट जा रही है डेंसर से रेरर, ठीक है, और ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड हुई, ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल। मान लो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दूं तो ये लाइट और बेंड होगी, और बेंड होते होते यहां पहुंच जाएगी। मान लो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दूं तो ये लाइट बेंड होते होते वापस यहां पहुंच जाएगी। ध्यान से समझो, जब डेंसर से रेरर में लाइट जाती है तो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागती है। मतलब इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था पर ये नॉर्मल से दूर भाग गई। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, तो ये दूर भाग गई। अच्छा, जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, फिर यहां तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, मान लो इसको कर दिया 45, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो ये और दूर भागेगा। भागते भागते ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, सपोज कर लिया 46, तो ये पलट कर वापस अंदर आ गया और ये एंगल भी तब हो जाता है 46। यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और बच्चों ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। यही चीज प्रिज्म में बहुत काम आती है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। फिर से सुने, जब लाइट डेंसर से रेरर जाती है तो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो ऐसे ही बेंड होगी, थोड़ा बड़ा है तो एकदम रे ग्रेस करती हुई निकलेगी, सरफेस को छूते हुए निकलेगी, और बहुत बड़ा है तो रिफ्लेक्शन होगा। तो कैसे डिसाइड होगा कि कहां पे क्या होना है? ये जो एंगल है, जो एग्जाम्पल के लिए 45 लिया है, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो लाइट इस सरफेस को छूते हुए जाएगी, अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अगर इससे बड़ा है तो वापस इसी मीडियम में आएगी। अगर क्रिटिकल एंगल से छोटा है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? तो होगा रिफ्रैक्शन। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? ग्रेजिंग इमर्जेंस। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन। और इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ये भी बोर्ड में बहुत आता है सवाल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहला, लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही हो, और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसपे ये वाली रे, रिफ्रैक्टेड रे, ऐसे सरफेस को छूते हुए जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से छोटा है तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, और अगर क्रिटिकल से बड़ा हुआ तो रिफ्रैक्शन बंद हो जाएगा और रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। ठीक, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। ये मैंने एक प्रिज्म लिया, ठीक, और ये एंगल ले लिया 45, ये एंगल ले लिया 45, और ये एंगल ले लिया 90, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एसेसलीस राइट एंगल्ड प्रिज्म। ये रे ऑफ लाइट यहां पर ऐसे स्ट्राइक की, ऐसे कितने एंगल पे स्ट्राइक की, 90 पे। अब समझो, अगर लाइट रेरर से डेंसर जा रही या डेंसर से रेरर,
और ऐसे स्ट्राइक करे 90 डिग्री पे, तो जैसे स्ट्राइक की है वैसे ही पास करेगी, पासेस अनडेविएटेड। अगर लाइट, अगर लाइट एकदम परपेंडिकुलर पड़ रही है सरफेस के ऊपर तो इट विल पास अनडेविएटेड, चाहे डेंसर से रेरर जा रही हो चाहे रेरर से डेंसर। मान लो ये सरफेस है, यहां डेंसर है यहां रेरर है, और लाइट ऐसे स्ट्राइक करे तो इट विल पास अनडेविएटेड। अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक की है तो ना ही बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ना ही बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है भाई, तो चलते हैं आगे। तो ये लाइट आके यहां पे स्ट्राइक की, अब क्योंकि परपेंडिकुलर स्ट्राइक की है तो इट विल पास अनडेविएटेड, यहां जाकर लड़ी। अच्छा अब आओ एंगल मार्क करें, ये 90 तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल देखो 45 90, सो दिस विल बी व्हाट 45 भाई, ये ट्रायंगल है कि नहीं 90 45, तो बचा हुआ भी कितना होगा 45। अब इस जगह पर तुम्हें बनाना पड़ेगा नॉर्मल, किसी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे जब लाइट लड़े तो नॉर्मल बनाओ। अब ये सरफेस है, इस सरफेस का नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा, दिस इज नॉर्मल टू दी सरफेस, मतलब सरफेस से कितने एंगल पे है 90, ये 45, तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। अब इन दोनों में से एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, कहने को दोनों 45 है पर कंसेप्ट के लिए जरूरी है जानना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल। तो बच्चों यहां पे इंसिडेंट रे ये वाली है और नॉर्मल ये वाला है, इनके बीच में एंगल कितना है 45। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45। अब यहां पे एक इंफॉर्मेशन दी है, से क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री। ठीक है, यहां पे दे रखा है, जनरली जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है उसका क्रिटिकल एंगल 42 होता है, यहां दे रखा है। अब आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, 45 है क्रिटिकल एंगल 42 है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में होता है रिफ्लेक्शन। तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यहां से लाइट बाहर नहीं जाएगी, ऐसे लाइट क्या होती बाहर जाती, अगर ये एंगल 42 से छोटा होता तो लाइट यहां से बाहर जाती, डेंसर से रेरर, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, पर क्योंकि ये एंगल क्रिटिकल से बड़ा है तो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल है, अब क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल भी कितना हो गया 45। अब रे को मैं सीधा लाया यहां पे लड़ाया, अब देखो ये नॉर्मल था, किसके नॉर्मल, सरफेस के, मतलब ये पूरा एंगल 90 भाई, ये सरफेस, ये नॉर्मल, ये 90, इसमें से ये 45 तो ये भी कितना 45। अब ये ट्रायंगल देखो 45 45, तो ये कितना 90, अगर 90 पे स्ट्राइक किया तो पासेस अनडेविएटेड, ये हो गई पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। आइए और क्वेश्चन करते हैं, धीमे धीमे कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, चार पांच क्वेश्चन करेगा सवाल क्लियर होगा, दिमाग की बत्ती जलेगी, अरे हम है ना। चलिए भाई साहब, तो ये बनाया मैंने, ये मान लो एंगल हो गया फिर से 45, ये मान लो 45 और ये मान लो 90, अभी सब लूंगा 60 30 60 60 सब लूंगा, ठीक है 45 45 90, और रे ऑफ लाइट स्ट्राइक की यहां पे इस बार इस जगह पर कितने एंगल पे 90 पे, तो 90 पे स्ट्राइक की है तो पास करेगी अनडेविएटेड, मतलब बिना डेविएशन के आगे जाएगी, ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा 90, स्ट्रेट लाइन है ना। अब ये ट्रायंगल देखो 45 90, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ 45, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, तो यहां पे नॉर्मल कहां बना, तो ये सरफेस है, सरफेस के क्या बनाओ नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर, कट 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 कच 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 कच, ये बनेगा नॉर्मल यहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा 90, ये 45 तो बचा हुआ भी 45, तो भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना दिख रहा है 45, एंगल बिटवीन इस जगह पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 45, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। अब कह दो कि इस ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री है, तो आप इस सरफेस पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब कौन सा फिनोमेना होने वाला है, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, तो यहां से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, अब ये रिफ्लेक्टेड है
और ये नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल कितना हो गया? 45। अच्छा, ये आके यहां पे स्ट्राइक की, बहुत बढ़िया। अब देखो ये नॉर्मल था, ये सरफेस, मतलब ये पूरा एंगल 90 रहा होगा, ये 45 गया, तो ये भी कितना बचा? 45 90 45। ये ट्रायंगल देखो, 90 45, तो ये एंगल कितना हुआ? 45। अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर एक सरफेस आ गया। जब जब सरफेस आए तो क्या बनाओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 हो सकता है। पहले क्या बनाओ? नॉर्मल। तो यहां पे नॉर्मल कैसे बनेगा? कच 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 कच, ये बना नॉर्मल। अब नॉर्मल मतलब ये पूरा एंगल 90, ये 45, तो बचा हुआ 45। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो ये रही इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया यहां पे? 45 डिग्री। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अगेन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो अगेन व्हाट विल हैपन? अगेन रिफ्लेक्शन विल हैपन। सो लाइट यहां से फिर से रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के, मतलब ये भी 45। अब ये जाके यहां स्ट्राइक की। अब देखो ये पूरा एंगल 90 था, ये 45, तो ये भी कितना? 45। इस ट्रायंगल में देखो 45 45, तो बचा हुआ कितना हुआ? 90। अब 90 पे स्ट्राइक की है तो पासेस अनडेविएटेड, ये बन गया रे ऑफ लाइट डेविएटेड थ्रू 180 डिग्री, जैसे आई थी एकदम पलट कर चली गई। और अब दूसरे तरह का प्रिज्म लेते हैं, ये वाला, ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री, ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री, और ये एंगल मान लीजिए 90 डिग्री, और रे ऑफ लाइट आई यहां पे ऐसे स्ट्राइक की, कितने एंगल पे स्ट्राइक की? 90 पे। सो इट विल पास अनडेविएटेड, बहुत बढ़िया। ये एंगल कितना होगा? 90। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, 90 30, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 60 30 90 90 180। अब यहां पे क्या बनाओगे? नॉर्मल। अब ये पूरा एंगल कितना हुआ? 90, ये 60, तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 30। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस जगह पे कितना है? 60 है कि 30 है? 60 है कि 30 है? 60 है कि 30 है? बोल भाई 30 है। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल। अब क्रिटिकल एंगल बोल दो 42 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 30। क्रिटिकल एंगल कितना है? 42। लेस है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। लेस है तो रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट अब बाहर आएगी, इस बार अंदर नहीं जाएगी। अब ये क्या है? ग्लास का प्रिज्म है, मतलब ये कैसा मीडियम है? डेंसर। और बाहर क्या है? एयर है। एयर कैसा मीडियम है? रेरर। सो डेंसर से रेरर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। ऐसे जाना चाहिए था पर ऐसे नहीं गई, नॉर्मल से अवे बेंड हो गई, क्योंकि डेंसर से रेरर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा भाई, ये हो गया। अब मान लो इसी केस का मैं उल्टा कर दूं, इसी केस का मैं उल्टा कर दूं कि ये एंगल 60, ये एंगल 30 और ये एंगल 90। अब रे ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक की, तो ये एंगल कितना है? 90 पे। इट विल पास अनडेविएटेड, यहां पे जाके स्ट्राइक की, ये एंगल भी कितना होगा? 90। अब ये ट्रायंगल देखो, 60 90, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 30 30 60 90 90 180। अब यहां पे हम बनाएंगे नॉर्मल, ये बन गया नॉर्मल। अब ये 90, ये 30, तो बचा हुआ 60। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना है? 30 है कि 60 है? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, मतलब 60 है। और क्रिटिकल एंगल मेरे को बता रखा है 42 है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब कि रिफ्लेक्शन होने वाला है, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो लाइट यहां पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस के, तो ये भी कितना हो गया? 60। और ये आके यहां पर ऐसे स्ट्राइक की, ऐसे आके यहां पे स्ट्राइक की, बहुत बढ़िया। अब देखो ये पूरा 90 था, ये 60, तो ये 30। अब ये ट्रायंगल देखो, 30 30 60, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 120। अब यहां पे हम नॉर्मल बनाए, ए नॉर्मल बना, ये 90, तो 120 में से 90 गया, कितना बचा? 30। इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 30 डिग्री, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। 30 डिग्री इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्शन। अब देखो ये डेंसर मीडियम, ये रेरर मीडियम, डेंसर से रेरर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। यहां से फिर से देखो,
यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 60, क्रिटिकल एंगल से बड़ा, बड़ा था तो क्या हुआ रिफ्लेक्शन। अब ये 60 और ये पूरा 90 था तो ये 30, क्यों 90 था क्योंकि ये नॉर्मल है ये सरफेस है। अब ये 30 ये 30 60 तो इस ट्रायंगल का बचा हुआ एंगल कितना होगा 120। फिर नॉर्मल बनाया ये 90, 120 में से 90 गया मतलब ये 30। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का मतलब 30, विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल मतलब रिफ्रैक्शन। डेंसर से रेयर तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है तो ऐसे करने हैं ये प्रिज्म वाले सवाल। आइए एक केस और लेते हैं इसी प्रिज्म का, 60-30 प्रिज्म का। ये एंगल 60, ये एंगल 30 और रे ऑफ लाइट स्ट्राइक की यहां पर ऐसे 90 पे, सो इट विल पास अनडेविएटेड यहां पहुंची। ये एंगल भी कितना हुआ 90। अब ये 60, 90, 150 तो बचा हुआ एंगल 30। यहां पे बनाएंगे नॉर्मल, ये 30 तो ये 60। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना हुआ 60 डिग्री और क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं 42। अब एग्जाम में दिया होगा 42, नहीं दिया है तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलो। अब यहां पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो क्या होगा यहां पे रिफ्लेक्शन होगा। सो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर ये एंगल कितना हो जाएगा 60। अब ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना है 90, 90 30 तो ये बचा हुआ कितना हुआ 60। यहां पे क्या बनाएंगे नॉर्मल। अब ये 60 तो ये कितना हुआ 30। अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री इज लेस देन क्रिटिकल एंगल तो क्या होगा रिफ्रैक्शन। लाइट कहां से कहां जा रही डेंसर से रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां से लाइट बाहर निकल गई, बेंड हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां पे आए स्ट्राइक कराया 90 60 तो बचा हुआ 30, फिर नॉर्मल बनाया ये 30 तो ये 60, 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हुआ ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 60 होगा, ये 30 हो गया, यहां पे ये 90 30 तो ये 60, नॉर्मल बनाया ये 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 लेस देन क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्शन बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस तरह से लॉजिक लगा लगा के आपको प्रिज्म वाले सवाल करने हैं। जैसे मैं ये वाला प्रिज्म ले लूं इक्विलैटरल प्रिज्म, है ना, मैं यहां पे इक्विलैटरल प्रिज्म ले लूं 60 60 60 और रे ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक की ए, यहां पे मान लो स्ट्राइक की 90 पे, सो इट विल पास अनडेविएटेड और यहां पे आके लग जाएगी। तो ये एंगल भी कितना हुआ 90, ये कितना हुआ 90 60 150, तो ये एंगल कितना होगा 30। फिर यहां पे बनाएंगे आप नॉर्मल, अब ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60 और क्रिटिकल एंगल बता रखा है 42, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो क्या होने वाला है रिफ्लेक्शन। तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, अब ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 और ये बचा हुआ 30, ये जाके यहां स्ट्राइक की 60 30, ये कितना हुआ 90 और 90 है तो पासेस अनडेविएटेड निकल गई ऐसे। तो न्यूमेरस क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, लॉजिक वाला मस्त सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट लॉजिक का कर देते हैं, थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं क्वेश्चन को कि मान लो ये प्रिज्म है और इसका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, कितना है भाई 45, कितना है भाई 45, ये एंगल है मान लो 45, ये एंगल है मान लो 45 और ये एंगल है मान लो 90 और रे ऑफ लाइट आई ऐसे स्ट्राइक की 90 पे, सो इट विल पास अनडेविएटेड यहां पहुंची, ये भी 90 ये 45, ये कितना होगा 45, नॉर्मल बनाया बहुत बढ़िया, ये 90 45 तो ये 45, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस बार 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, इक्वल में क्या होगा इक्वल में होगा ग्रेजिंग इमर्जेंस, मतलब लाइट ना अंदर रहेगी लाइट ना बाहर आएगी, लाइट सरफेस को छूती हुई चली जाएगी, लाइट ना अंदर रहेगी लाइट ना बाहर जाएगी, लाइट सरफेस को ग्रेज करते हुए बाहर आएगी। कब होगा ऐसा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। आइए इसी का एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, इसका एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया बनता है। ए ए ए इस ग्लास का क्रिटिकल एंगल है 42, ये ग्लास का पीस है और रे ऑफ लाइट इस पे ऐसे स्ट्राइक की है ए लाइक दिस, इस तरह से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक की है और ये एंगल है 90 और ये एंगल हमें दे रखा है 42 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि यहां पे कैसे कैसे क्या क्या होगा, कंप्लीट करना है रे डायग्राम।
ठीक है, ये एंगल 40 डिग्री है। आइए स्टार्ट करें। तो इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 42? नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के लिए पहले क्या बनाओ, नॉर्मल बनाओ। तो यही इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, यहां पे पहले क्या बनेगा भाई साहब, नॉर्मल बनेगा। अब ये 42 तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 बनना है ना टोटल, बचा हुआ एंगल कितना होगा 48, हाँ ठीक है 48। तो इस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 48, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब कौन सा फिनोमेना होगा, रिफ्लेक्शन। तो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आई, अब ये एंगल भी कितना होगा 48। अब ये पूरा 90 था तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 42, 90 42, तो ये कितना होगा 48। नहीं आया, यहां पे स्ट्राइक की थी, एंगल कितना दिखा रहा था 42, तो मैंने नॉर्मल बनाया, ये 42 बचा हुआ 48, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो हुआ रिफ्लेक्शन। अब ये 48 पे रिफ्लेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये पूरा 90 था, ये 48 तो बचा हुआ फिर से 42, फिर ये प्रिज्म देखो, सॉरी ये ट्रायंगल देखो, 42 90 तो बचा हुआ 48, यहां पे फिर क्या बनाएंगे, नॉर्मल, तो ये कितना हो जाएगा 42। इस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस जगह पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 42 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, मतलब कौन सा फिनोमेना, ग्रेजिंग इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो लाइट भाई साहब ऐसे चली जाएगी, ना अंदर रहेगी ना बाहर। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको फिर से प्रैक्टिस करो। 42 ये दिया था पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं था, पहले यहां नॉर्मल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 आया, 48 इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट होने पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर 48, फिर यहां पे ये पूरा 90 तो ये 42, फिर इस ट्रायंगल में 42 90 तो 48, यहां नॉर्मल बनाया है 48 तो 42, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 42, क्रिटिकल एंगल भी 42, दोनों बराबर हुए, तो लाइट ना अंदर ना बाहर, ग्रेजिंग इमर्जेंस, और इस केस में रिफ्रैक्शन का एंगल, रिफ्रैक्शन का एंगल होता है 90। तो बच्चों ये थे क्वेश्चंस प्रिज्म के कि कैसे सॉल्व करने हैं क्रिटिकल एंगल वाला।